क्वेश्चन है, कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। इसमें इस क्वेश्चन में ना हम LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है इसी में इसमें भी वही लिखा हुआ है, बस माइनस का अंतर है। और यहाँ पे जो कॉट 4x है यहाँ पे कॉट एक्स है, तो इसमें हम दोनों को सॉल्व करते हैं, LHS को भी RHS को भी। तो LHS में देखिए, LHS में क्या लिखा है, कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, वो क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी। क्योंकि आप देख रहे हो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ये साइन 5x प्लस साइन 3x के इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। अब इसी को यूज करते हैं तो क्या आएगा, कॉट 4x इंटू 2 इंटू साइन ए क्या है आपका 5x, बी क्या है 3x, 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, कॉट 4x इंटू 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस एक्स, ये टर्म आएगा। तो अब आप देखिए कॉस को, कॉट 4x को क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या होता है आपका कॉस 4x बाय साइन 4x, कॉस 4x बाय साइन 4x। इससे क्या होगा ना, आपका साइन 4x कट जाएगा इंटू 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस एक्स, ये टर्म बचा, इसको कैंसिल कीजिए तो क्या टर्म बचेगा, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 4x, ये टर्म आया आपका। 16 क्वेश्चन है, कॉस 9x माइनस कॉस 5x बाय साइन 70x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x बाय कॉस 10x के इक्वल प्रूव करना है। तो ये देखिए बिल्कुल इजी है ये, इसमें भी देखिए टर्म जो है आपका कॉस ए माइनस कॉस बी लिखा हुआ है और नीचे वाला टर्म लिखा हुआ है डिनोमिनेटर वाला साइन ए माइनस साइन बी, बस हमें यूज करना है फॉर्मूले को, अगर हमें फॉर्मूला इसमें याद है तो हम यूज कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी का न्यूमरेटर में 2 इंटू साइन ए प्लस बी मीन्स 9x प्लस 5x बाय 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाय 2 मीन्स 5x माइनस 9x बाय 2 बाय होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाय 2 17x माइनस 3x बाय 2 इंटू कॉस, यहां पे प्लस होगा, साइन इंटू ए माइनस बी बाय 2 मीन्स 17x माइनस 3x बाय 2, ये होगा। फिर अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू साइन 9x प्लस 5x बाय 2 मीन्स साइन 14x बाय 2 क्या आएगा, साइन 17। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या टर्म आएगा, 2 इंटू 7x इंटू साइन 5x माइनस 9x बाय 2 मीन्स माइनस 2x आएगा, ठीक है। और 2 इंटू कॉस 10x इंटू साइन 7x आएगा, ठीक है, साइन 7x साइन 7x तो कट जाएगा, 2 इंटू 2 भी तो कट जाएगा, फिर बचेगा क्या टर्म, आप देखिए यहाँ पे साइन माइनस 2x है, और तो हम जानते हैं कि साइन जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव जो यहाँ पे लगा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा टर्म, माइनस साइन 2x बाय कॉस 10x, और आपका आरएचएस भी यही है, तो प्रूफ हो गया। 17 क्वेश्चन,
बिल्कुल सिमिलर है 16 क्वेश्चन की तरह. साइन 5x प्लस साइन 3x बाय कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू टेन 4x के इक्वल प्रूव करना है. तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे. न्यूमरेटर में देखिए आप, ये टर्म लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, एंड डिनोमिनेटर में टर्म लिखा हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी. तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस साइन बी एंड कॉस ए प्लस कॉस बी. तो क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू साइन ए प्लस बी मीन्स 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाय 2. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा साइन 4x इंटू कॉस एक्स बाय कॉस 4x इंटू कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका. तो टर्म क्या आएगा, साइन एक्स साइन 4x बाय कॉस 4x. और आपको पता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है. तो यहाँ पे क्या है, साइन 4x बाय कॉस 4x है, तो क्या हो जाएगा टेन 4x. और आरएचएस में भी आपका यही है. 18 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है 17 की तरह. साइन एक्स माइनस साइन वाई बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई बाय 2 प्रूव करना है. तो आप देखिए, ये जो न्यूमरेटर है आपका लिखा हुआ है साइन ए माइनस साइन बी, एंड डिनोमिनेटर लिखा हुआ है एक तरह का फॉर्म बना है कॉस ए प्लस कॉस बी. बस इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में. तो लिखते हैं, यूज करते हैं साइन ए माइनस साइन बी का, मीन्स साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 ये होगा. फिर जो न्यूमरेटर टर्म है आपका, सॉरी डिनोमिनेटर, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई को लिख सकते हैं आप 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2. एंड देखिए आप, 2 इंटू 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 और कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 और कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा. तो नेक्स्ट टर्म क्या बच रहा है आपका, साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 बाय कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, टेन एक्स माइनस वाई बाय 2. हैंस प्रूव्ड.